हेलो दोस्तों, मेरा नाम गंगेश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल gsitworld.com पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम रजिस्ट्री में चेंजेस करते हैं, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, अनइंस्टॉल करने के बाद वो प्रॉपर अनइंस्टॉल नहीं हो पाता है और कई बार हमें जो है रजिस्ट्री में जो है उसकी कीज जो है डिलीट करनी पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई रजिस्ट्री गलत डिलीट कर दी तो आपका सिस्टम जो है अनबूटेबल हो सकता है, हो सकता है क्रैश हो जाए, बूट ना करे दोबारा रिस्टार्ट करने के बाद। तो ऐसे में हमें जो है रजिस्ट्री का बैकअप लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की रजिस्ट्री का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको कैसे जो है रिस्टोर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप विंडो आर प्रेस करिए, रेग एडिट टाइप करिए, ओके पे क्लिक करिए, यस क्लिक करिए। अब यहां पे देखिए आपको ये फाइल दिख रहा है, यहां पे जो है फाइल में जाइए, इसके बाद जो है एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी लोकेशन देना है, यहां पे मैं डेस्कटॉप ले लेता हूं, लेकिन आप जो है कोई डी ड्राइव या ई ड्राइव जो है उसमें आप बैकअप लेंगे तो सही रहेगा। डेस्कटॉप पे हमने ले लिया है, सेव पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो है रजिस्ट्री की जो फाइलें हैं बैकअप जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है ये टेक्स्ट नाम से। अगर और इसके बाद जो है अगर कभी जो है हमको बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है और रजिस्ट्री को रिस्टोर करना पड़ता है तो सेम प्रोसीजर है। आप रेगुलेट पे जाइए, ओके करिए, रजिस्ट्री एडिटर ओपन करिए, फाइल में जाइए, इम्पोर्ट पे क्लिक करिए और जहाँ भी फाइल आपने सेव किया हुआ था, सपोज दैट मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे जाइए, सिलेक्ट करिए और ओपन पे क्लिक करिए, आपकी फाइल जो है इम्पोर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके हम देख रहे हैं कि कैसे हम रजिस्ट्री को, अपने सिस्टम की रजिस्ट्री को कैसे जो है उसका बैकअप ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, इससे कुछ आपका हेल्प होता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।